नमस्कार। देश के बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देने के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो हमारे देश के कई लोगों जैसे कि शाहीन मिस्त्री, जेरू बिली मोरिया और डॉक्टर कृति भारती, ऐसे कई लोगों ने इस बात को समझा और ये लोग देश के बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इनमें से आज हम आपको डॉक्टर कृति भारती की कहानी सुनाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 35 साल पहले जोधपुर राजस्थान से, जहां एक अकेली बेबस माँ अपने होने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर दुखी थी, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के जन्म के पहले से ही उनसे अपना रिश्ता तोड़कर चला गया था। हालांकि एक पत्नी तो मन से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन एक माँ कैसे टूट सकती थी। उसे किसी भी तरह अपना और अपने बच्चे का जीवन चलाना था। उसके लिए अब बस रिश्तेदारों का सहारा था, लेकिन वो सहारा भी बस नाम मात्र का था। ऐसे असुरक्षित हालातों में एक बच्ची कृति का जन्म होता है। माँ किसी तरह अपनी बच्ची कृति की परवरिश करती है। हालांकि कृति के जन्म से कोई भी रिश्तेदार खुश नहीं था, क्योंकि अगर ये बच्ची नहीं होती तो रिश्तेदार किसी तरह माँ की दूसरी शादी करवा करके अपना पल्ला झाड़ लेते। लेकिन अब कृति की वजह से ऐसा नहीं हो सकता था और ये रिश्तेदार बच्ची को भला बुरा कहते। यहां तक कि एक दुष्ट रिश्तेदार ने तो बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उस छोटी सी बच्ची कृति को केक में जहर तक मिलाकर दे दिया था। पर अपनी माँ के कारण कृति को सही समय पर इलाज मिल गया तो वो बच गई, पर जहर पूरे शरीर में फैल गया, जिससे कृति अब बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। 10 साल की उम्र में चलना तो दूर, अपने दम पर वो बच्ची हिल भी नहीं सकती थी। माँ ने अपनी क्षमता से सब इलाज करवा लिया, पर कृति के शरीर में जरा भी जान नहीं आई। फिर एक दिन किसी ने उन्हें भिलवाड़ा के एक रेकी थेरेपी करने वाले गुरु के बारे में बताया। माँ ने कृति को वहां लेकर जाने में जरा भी देर नहीं की और उनके ही उपचार से धीरे धीरे कृति के शरीर ने काम करना शुरू कर दिया। बिस्तर पर 2 साल से भी ज्यादा समय निकालने के बाद कृति अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो सकी। माँ चाहती थी कि कृति खूब पढ़े और पढ़ लिख कर अपने जीवन को सुरक्षित बना ले। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर यही कृति ना सिर्फ अपने जीवन को बल्कि ना जाने कितनी बच्चियों के जीवन को सुरक्षित बनाने वाली है। कृति ने खूब मन लगाकर अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की। उसने मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन करके बाल संरक्षण और सुरक्षा में पीएचडी भी की। इसके बाद डॉक्टर कृति भारती एक एनजीओ से जुड़कर काम करने लगी और जब उनका संपर्क बाल विवाह पीड़ित बच्चियों से हुआ तो कृति ने पाया कि कैसे कुछ रूढ़िवादी परिवार सदियों से चली आ रही रीत को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाने के लिए अपनी छोटी छोटी बच्चियों को खुद बाल विवाह जैसे दलदल में धकेल देते हैं और उसका मुख्य कारण डर और असुरक्षा की भावना थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो समाज उन्हें बहिष्कृत कर देगा। डॉक्टर कृति ने यहीं से बाल विवाह को रोकने की ठान ली। डॉक्टर कृति अपनी टीम के साथ मिलकर बाल विवाह रोकने लगी। जहां से भी उन्हें खबर मिलती, डॉक्टर कृति वहां अपनी टीम को साथ में लेकर पहुंच जाती। पहले दोनों परिवारों को समझाने और मनाने की कोशिश की जाती, उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाए जाते। अगर परिवार मान जाते तो ठीक, नहीं तो कानून का भी सहारा लिया जाता।
पर किसी भी तरह बाल विवाह रोका जाता। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि डॉक्टर कृति का सामना समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों से था, जिन्होंने सदियों से चली आ रही कुरीतियों को यूं ही आगे भी चलाते रहने का पीड़ा उठा रखा था। और इसीलिए शायद ही बाल विवाह का ऐसा कोई केस हो जिसमें डॉक्टर कृति को जान से मारने की धमकी ना मिली हो। लेकिन डॉक्टर कृति और उनकी टीम ने इसकी परवाह नहीं की। उन्हें तो सिर्फ बच्चियों की जिंदगी बचानी थी, उन्हें सुरक्षित रखना था। हालांकि धमकाने वाले लोग डॉक्टर कृति से यहां तक कह देते कि अकेली औरत को इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर कृति फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि कृति ने अपना बचपन असुरक्षा में बिताया था, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी तरह किसी और बच्ची को भी अपना बचपन डर डर कर असुरक्षा में बिताना पड़े। डॉक्टर कृति ने साल 2012 में देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाया था। वे अब तक कानूनन लगभग लगभग 40 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवा चुकी है। साथ ही अब तक उन्होंने 1400 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। डॉक्टर कृति और उनकी सारथी टीम इस तरह सिर्फ नाबालिग बच्चों की शादी ही नहीं रुकवाते, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाते हैं, और आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें एक सुरक्षित जीवन भी देते हैं। बाल विवाह को निरस्त करने के लिए डॉक्टर कृति और उनकी सारथी ट्रस्ट विभिन्न स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक जगह और आंगनवाड़ी केंद्रों पर कैंप भी लगाते हैं, जिससे कि बाल विवाह पीड़ित बच्चियां उन तक आसानी से पहुंच सके। डॉक्टर कृति के इन प्रयासों के कारण उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। डॉक्टर कृति देश से बाल विवाह का नाम पूरी तरह से मिटाना चाहती हैं। बाल विवाह का नाम इतिहास के पन्नों पर एक कुरीति बनकर रह जाए और आने वाली पीढ़ी की बच्चियों का जीवन इससे बच सके, यही डॉक्टर कृति और सारथी टीम की दिली इच्छा है। बाल विवाह एक अभिशाप है। ये सिर्फ हमारे देश की बेटियों का ही जीवन खराब नहीं करता है, बल्कि बेटों के जीवन में भी कड़वाहट घोल देता है। काश ये बात बाल विवाह रचने वाले परिवार समझ सकते। ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि आज हम एक मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, जहां लड़कियां और लड़कों में शायद कोई फर्क नहीं। लेकिन जब गहराई में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियों की हालत गंभीर है। उन्हें 10-12 साल से भी कम उम्र में ब्याह दिया जाता है, और कई मामलों में तो उन्हें इसी छोटी सी उम्र में ससुराल भी भेज दिया जाता है। सोचिए, नए लोग, नया परिवेश और एक बच्ची, बच्ची कैसे अपने आप को संभालती होगी? अपने परिवार के बिना उसे कितना असुरक्षित लगता होगा? पढ़ने लिखने की उम्र में उसके नाजुक कंधों पर रखा अनचाहे रिश्ते का ये भार, ये वजन उसको हमेशा के लिए अंदर से तोड़ देता है। डॉक्टर कृति भारती ने बाल विवाह को रोकने और दुर्भाग्य से हो चुके बाल विवाह को निरस्त करवाने का जो जिम्मा उठाया है वो काबिल-ए-तारीफ है। हमें उम्मीद है कि आप भी डॉक्टर कृति की तरह अपने आसपास रह रहे अपने हम उम्र बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत रहेंगे, हमेशा सजग रहेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।